नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सिंपल सी रेसिपी, लेकिन ये बहुत ही खास है। अक्सर फंक्शंस में ये दिखाई देती है और हमें बहुत ही पसंद आती है। आज हम बनाते हैं मेथी मलाई मटर घर पे आसानी से, जैसे एकदम हमें होटल में या रेस्टोरेंट्स में मिलती है वैसे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा और इसे कैसे बनाते हैं। मेथी मलाई मटर बनाने के लिए हमने ली है मेथी 2 कप, जिसे हमने बारीक काट लिया है, मलाई 1 कप, मटर आधा कप, एक बड़ा टमाटर, 2 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक, 1 मीडियम प्याज, घी जैसे हमें लगेगा, चुटकी भर हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून जीरा और नमक स्वादानुसार। ये जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें हम अच्छे से पीस लेंगे। मैंने प्याज टमाटर वगैरह सारा मिक्सी में डाल दिया है। उसी के साथ मैं काजू डाल रही हूँ, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये 1/4 कप मैंने काजू लिया है और वो भी हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे, तो जो हमारी ग्रेवी है उसको बढ़िया टेक्सचर आएगा और साथ ही वो एकदम अच्छे से गाढ़ी भी बनेगी। इसे हम पीस लेंगे। यहाँ एक गैस पर मैंने पानी ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें मटर डाल के इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। और यहाँ दूसरे गैस पर मैंने कढ़ाई रख ली है, इसमें मैं घी डाल रही हूँ। घी हमें जैसे लगेगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा मैंने भून लिया है, अब हम इसमें डालेंगे जो पेस्ट हमने बनाई थी प्याज टमाटर की वगैरह, वो और इसे भी हमें अच्छे से चलाना है। अब हमें इस मसाले को एकदम अच्छे से भून लेना है। मैंने गैस की जो आंच है वो धीमी ही रखी है और मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ। मसाले को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब मुझे लगता है इसमें थोड़ा और घी की ज़रूरत है, तो हम इसमें घी डालेंगे। जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे घी का हमें इस्तेमाल करना है। मसाला एकदम अच्छे से भून चुका है, ये देखिए घी जो है वो इस तरह से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और नमक स्वादानुसार। अब इसमें मैं मेथी डालूंगी। और साथ ही उबले हुए मटर डाल रही हूँ मैं इसमें। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, इसे मिक्स कर लूँगी। जिसमें मटर उबाले थे वही पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और इसे अब हम ढक के पका लेंगे। मेथी को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। चलिए अब ये खोल के देखते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया दिख रहा है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलिए इसमें डालते हैं मेन इंग्रेडिएंट। उससे पहले मैं गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर रही हूँ और अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। अब इसे मैं मिक्स कर रही हूँ।
ये देखिए एकदम बढ़िया लग रहा है। गैस के आज मैंने इसीलिए बंद कर दी थी ताकि क्रीम जो है वो फटे ना। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म जब होती है सब्ज़ी और उसमें हम क्रीम डाल देते हैं तो वो फट जाता है। क्रीम भी आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। एकदम बढ़िया लग रहा है, क्रीमी एकदम। और इस तरह हमारी मेथी मलाई मटर बनके तैयार है। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। इसे गार्निश करते हैं थोड़े से और क्रीम के साथ। तो है ना ये बनाने में एकदम ही आसान, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मुझे लिखकर बताइए कि आपकी मेथी मलाई मटर कैसे बनी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि मेरा नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।